आप जैसे आपने बताया कि आप कश्मीर से हैं, कश्मीर में आपका घर है, दिल्ली से नहीं है, यूजुअली जेएनयू में अभी जैसे प्रोटेस्ट हो रहा है तो वहाँ कई जो प्रोटेस्ट के दौरान कई लोगों ने फ्री कश्मीर के पैम्पर टैम्पलेट लेकर के या फिर बोर्ड लेकर के उन्होंने फ्री कश्मीर को भी आगे किया। क्या लगता है आपको कि कश्मीर फ्री है कि नहीं है? नहीं, एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ना तो अभी हम फ्री नहीं बोल सकते, क्योंकि एक्चुअल में जो है वहाँ पे ना नेट, सोशल मीडिया सारा लगभग 7 महीने से बंद है। तो आम आदमी की लाइफ मान के चलो वो स्लो हो गई है जैसे वो 20 साल पहले होती थी। अच्छा, तो जैसे अभी की बात चले तो प्रीपेड वगैरह वो वहाँ के नाम ही नहीं है किसी चीज़ का, तो व्हाट्सएप की तो बात ही छोड़िए आप, कौन कैसे क्या कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है वहाँ पे जो एक्चुअल में जो सोशल मीडिया पे हो रहा है वो तो उससे एडवांस रहता है बंदा, के पता चलता है कि दुनिया कहाँ पे है अभी। तो जब उससे इन टच नहीं रहेगा तो आप समझ लीजिए कि कहाँ की फ्रीडम है और कहाँ। तो फ्री कश्मीर की जो डेफिनेशन है वो क्या, वो सिर्फ एक इंटरनेट से संबंधित है या सिर्फ इंटरनेट तक ही है कि हाँ अगर इंटरनेट गवर्नमेंट कह दे कि हाँ, जैसे अभी कोर्ट ने भी कहा कि आप इतने टाइम से इंटरनेट बंद नहीं रख सकते, आपको वापस ठीक करना पड़ेगा, या फिर छोटी छोटी बातों पर इंटरनेट नहीं बंद हो सकता क्योंकि ये लोगों का मौलिक अधिकार है, तो क्या अगर इंटरनेट मिल जाए तो फ्री कश्मीर का जो स्लोगन लेकर के हो रहा है तो ये चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी? ये तो सॉर्ट आउट हो जाएगी, क्योंकि एक्चुअल में देखिए क्या होता है कि सोशल मीडिया बहुत साइड से हेल्प करता है हर किसी चीज़ से। जैसे आप किसी मतलब कोई ऑब्जेक्शन है किसी चीज़ पे आपको, तो आप सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों तक बात पहुँचा पाओगे। जब आप सोशल मीडिया के साथ नहीं कनेक्ट हो, नेट आपके पास नहीं है, फ़ोन आपके पास नहीं है, तो आप वाई शुड, आप कैसे कर सकते हो फिर वो सब चीज़ें? आफ्टर 370 कश्मीर अब ये सब हो गया, व्हाट्स योर टेक ऑन आफ्टर 370 हटाना? अभी तो इसके बारे में तो मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा, बट एक्चुअल में ये बोल पाऊँगा कि जो 370 धारा जो था वो एक्चुअल में इंडिया और कश्मीर के बीच का मसला था। जैसे बाकी आउटसाइड जो भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं अभी, जैसे पाकिस्तान वगैरह, उनका तो इसके साथ था नहीं कुछ। अब ये इन्होंने बना लिया इशू बड़ा, तो अभी अब मतलब 370 हट गई वहाँ से, तो 370 हटने का मसला नहीं है उधर। मसला एक्चुअल में क्या है कि लोगों की ओपिनियन क्या है, लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या चाहते हैं, वो कोई नहीं जानना चाहता उधर। एक्चुअल की जो ग्राउंड लेवल की बात है तो कश्मीर में जो आम बंदा चाहता है ना वो उसके हिसाब से नहीं हो रहा है उधर। क्या आम बंदा क्या चाहता है? आम बंदा चाहता है फ्रीडम, आम बंदा चाहता है कि मैं रात को कहीं भी आ जा सकूं, आम बंदा चाहता है मुझे कहीं पे जाना पड़े तो मेरी चेकिंग ना हो क्योंकि मैं नागरिक हूं यहां का। तो एक्चुअल में वहां पे इसके अपोज हो रहा है सारा कुछ, इस वजह से वायलेंस ज़्यादा हो रही है। आप मान के चलो अभी मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे किसी ने नहीं पूछा इधर, या आप यहाँ के हो तो आपको किसी ने यहाँ पे पूछा आप आईडी दिखाओ अपनी, तो अपने ही देश में अगर कोई आपसे अपनी आईडी मांगे तो आपको कैसा लगेगा, है ना? ये दिक्कत है। वो मैं नहीं बोलता कि आर्मी ख़राब है, ये खराब है, वो ख़राब है, वहाँ का एक्चुअल में सिस्टम ख़राब है। अच्छा। क्योंकि अच्छा पॉलिटिशियन नहीं मिला, अच्छा लीडर नहीं मिला। जो वहाँ की रिक्वायरमेंट लोगों की है कि हमें इस चीज़ में कमजोरी है वो सब दे दो, वो नहीं मिला वहाँ पे। एम्प्लॉयमेंट ज़ीरो है वहाँ पे, कुछ भी नहीं। और सबसे ज़्यादा आप देख लो हर किसी जगह रिश्वत रिश्वत रिश्वत, कोई जगह ही नहीं है जहाँ पे आप सिंपली किसी से बात कर सकते हो। कोई काम आराम से, आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट को किसी चीज़ में एडमिशन लेना है किसी यूनिवर्सिटी में वगैरह में वगैरह में, तो वहाँ पे आपको पहले वो बंदे मिलेंगे जिनका वो बैकग्राउंड सही होगा, जिनका बैकग्राउंड में आप देख लीजिए कि कोई बंदा अमीर है वगैरह है, वो है, वो रिश्वत से वगैरह पूछ अपनी सीट ले लेता है, तो आम बंदा फंस जाता है उधर पर। आम छोटा बंदा जिसकी ओपिनियन होती है कि मैं बड़ा बनूं, मैं वो करूं, मैं ये करूं, वो वही पे रह जाता है। जीरो मतलब जीरो पे ही है, जीरो को वन नहीं होने देते वहाँ पे। ठीक है, वही के लोग वन नहीं होने देते हैं, बाहर के सिस्टम। मैं आपको वहाँ का लोग क्या करे, वहाँ के लोग जीरो है। अभी आप वहाँ पे देख लीजिए कश्मीरी पंडित, जो मुझे नहीं पता 91 में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो छोड़ दीजिए आप। अभी जस्ट इस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, मुझे लगभग 3.5 महीने हुए यहाँ पे भी। तो ट्रैवल बिजनेस ने सारा जो कश्मीर है ना वो सारा ट्रैवल बिजनेस पे है, है ना? तो जब भी कश्मीर में पीक पे सीज़न रहता है तो हो जाता है कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ हो जाता है कि सिस्टम पूरा ख़राब हो जाता है, सारा कुछ बंद, सारा ठप।
सारी इनकम ट्रैवल से आती है, जो टूरिज्म होती है टूरिज्म से ज़्यादातर लगभग 80% टूरिज्म से आती है वहाँ पे, तो टूरिज्म सारा झंड है, तो आम आदमी करेगा क्या, कुछ नहीं। उसके बाद में मुद्दा उठाते हैं ये कश्मीरी पंडित वगैरह, कश्मीरी पंडित एक्चुअल में रह रहे हैं अभी वहाँ पे। अच्छा, लेकिन अभी पलायन भी तो हुआ था। जो मीडिया बता रही है ना, मीडिया ज़्यादातर बता रही है कि वो है ये है मसला कश्मीर को, आने नहीं देते उनको। एक्चुअल में जहाँ पे मैं रहता हूँ, मैं बड़गाम में रहता हूँ, तो हमारे साइड में जैसे 1 किलोमीटर दूर है ज़्यादा से ज़्यादा, तो लगभग 6 फैमिलीज आए हुए वहाँ पे, उनको लगभग 3 साल हुए वहाँ पे रहते हुए, अपनी प्रॉपर्टी थी वहीं पे थी, उन्होंने टेक ओवर कर ली, जिन बंदूक के हाथ में थी वो उन्होंने टेक ओवर दे दी उनको हाथ में, तो आप ले लीजिए। अब वो रह रहे हैं उधर, उधर कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टम ख़राब है जो लोगों को ख़राब बना रही है। एक मेरा एक और सवाल है, ऐसा लोगों का बहुत ज़्यादा परसेप्शन है कश्मीर यानी पत्थरबाजी, है ना, ये बहुत कॉमन है। अगर आप किसी से पूछेंगे कि कश्मीर के लोग क्या करते हैं, तो कोई भी ऐसे एक एक या दो बंदे निकल जाएंगे, कहेंगे कि पत्थरबाजी करते हैं वो लोग। क्यों उठाते हैं पत्थर वहाँ के लोग? अब सिंपली मैं आपको बताता हूँ, आपको आज की मैं यही न्यूज़ दिखाता हूँ, JNU में, JNU से स्टार्ट हो जाता हूँ। JNU में लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं अब, ऐसा कि वहाँ पे पत्थरबाजी जो हो रही है ना, एक्चुअल में JNU के नहीं कर रहे हैं, जो आउटसाइड है ना, तो आप उनको पहचान नहीं पा रहे हैं कि आउटसाइड जो भी है ये सारा पॉलिटिक्स चल रहा है आपका कश्मीर का। जैसे भी नॉर्मली चलता है ना प्रोटेस्ट किसी भी चीज़ पे, तो आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, आप किसी बंदे को, आप कश्मीर में ही बंदे हैं जो पैसे खाते हैं, मैं सच्ची में इसमें दोहराई नहीं है, जो बंदा खाता है वो खाता है। कश्मीर में कुछ बंदे जो पॉलिटिशियन से मिले रहते हैं, जो नॉर्मल चल रहा होता है मसला, वो बिगाड़ने की कोशिश करें। एक्चुअल में सारे कश्मीर, अब कश्मीर बन गया ये पत्थरबाज के, पत्थरबाजी हो रही है इधर, वो है ये, एक्चुअल में वो सारा कुछ ट्रुथ नहीं, ट्रुथ जो है ये पॉलिटिक्स। तो कौन है जो पत्थर उठा के मारते हैं? वो तो वही लोग हैं ना जो कल इसके इनके साथ में होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, निकलते हैं बाल रैलियां करके वोट दो वोट दो, उन्हीं के साथ में होते हैं वही लोग, वो वही करते हैं यहाँ पे। तो भी जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो उन लोगों को कुछ कहते नहीं, क्योंकि आप लोगों की वजह से हम उन फैसिलिटीज को जाते हैं ना। देखो क्या हुआ, स्टार्ट यहाँ से होता है कि बंदे ने पत्थर फेंका, तो ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए ये कौन था, तो आपने वो बंदे को उठा लिया जो प्रोटेस्ट के साथ में था, बट नॉर्मली सिंपली से चल रहा था, तो अब उसको उठा के, अब ये जो इसकी फैमिली होगी वहाँ पे, एक्चुअल में जो होता है ना वो मैं आपको ट्रुथ बता रहा हूँ कि बंदे को उठा लिया, तो अगर इसने किया भी नहीं है कुछ, तो इसको ठोकना है, इस पे ये सारा कुछ थोपना है कि नहीं अब आप नहीं किया है, आपको ये मानना है। तो ये जो हीरोगिरी चल रही है ना, मैं अब यही मैं बता रहा हूँ, सिस्टम ख़राब है, क्योंकि ऊपर से जब आर्मी, वो बेचारे यहाँ से आते हैं कहाँ फंस जाते हैं, कहाँ पे रहते हैं माइनस में, तो किस वजह से, देश के लिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ वो किसी और, तनख्वाह की बात छोड़िए, देश के लिए सबसे बड़ी बात है देश के लिए, तो सिंपली उन लोगों को आर्डर कहाँ से मिलते हैं? पीछे से वो वही करेंगे जो उनको बोलेंगे, जो उनको बोलेंगे पीछे वही करेंगे वो, तो एक्चुअल में उनकी खुद की ड्यूटी जो होती है ना वो निभा नहीं पाते, वो ऑर्डर फॉलो करते हैं। अगर उन्होंने बोला, अब आप सिंपली देख लीजिए कि नॉर्मल प्रोटेस्ट पे कहाँ से फायरिंग आपने देखी है, फायरिंग होती है कहीं पे, यहाँ पे भी मैंने प्रोटेस्ट देखा, तो पिछले कुछ दिनों में हो गई, कुछ दिनों में हो गई, बस ये CA को लेकर या जो भी हुआ, तो दिल्ली पुलिस ने तो कर दी। हाँ, वहाँ पे ये आप 91 से स्टार्ट हो रहा है, 91 से आज तक यही हो रहा है, हर किसी रैली में 3, 4, 5, 8, 10 ये होता रहता है, 3, 4, 8, 5, 10 ले रहे हैं। इसका अगर मैं सॉल्यूशन पूछूं, क्योंकि आप कश्मीरी हैं, आप अपने अंदर की बात बता सकते हैं कि अगर ये चीज़ हो तो शायद सॉल्यूशन निकल सकता है, तो क्या और किस तरह का सॉल्यूशन हो सकता है? वो सॉल्यूशन एक्चुअल में जो हमारी, मतलब कश्मीर की डिमांड ज़्यादातर रही है कि ठीक है हमारे साथ, ना हम किसी के साथ गलत करेंगे ना हमारे साथ गलत करो। आर्मी हमारे यहाँ आप देख लीजिए कितनी आर्मी है इंडिया की, उसमें आपको लगभग 950 लाख लगभग आपको मिल जाएंगे कश्मीर में। उतनी बड़ी स्टेट है नहीं वो जितनी वहाँ पे आर्मी है, उतनी बड़ी स्टेट है नहीं वो। मैं शाम रात को कहीं भी निकल नहीं सकता हूँ। अच्छा, कहीं भी नहीं, क्योंकि एक्चुअल में मेरे साइड में जिस रोड पे मैं मेन से जाऊँगा, हाईवे पे जाऊँगा मुझे आर्मी मिलेगी, कहाँ कोचे से जाऊँगा मुझे आर्मी मिलेगी, कहीं पे भी। और वहाँ पे सबसे बड़ी बात ये हुई है कि आर्मी को ऐसे ऑर्डर्स मिले हैं कि अगर किसी पे आपको शक हो
तो आप फायर कर सकते हैं। अच्छा, तो शक के बिना पे किसी को भी ठोक देंगे। मैं खुद की बात कर रहा हूँ, हमारे जहाँ पे मैं रह रहा हूँ आज से तीन महीने पे चार महीने पहले की बात है, एक बंदा वो कारपेंटर था, शाम के टाइम में अंकल से मतलब मामा से गया था पैसे लेने के लिए, क्योंकि बीमारी कुछ थी को पैसे की किल्लत होती है। तो बंदा गया शाम को काम से, आया सीधा गया उधर, वहाँ से निकलने के बाद में इनकाउंटर हो गया उसका। तो बाद में पता चला, बोला इसने तो बम फेंकने की कोशिश की थी। तो अब उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन वगैरह वगैरह करके उसके बाद में बोला फट गया था बम, तो वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ नहीं था। एक्चुअल में वो फिर दूसरी बात बना के वो केस बंद करना चाहते थे। ऐसा ऐसा कुछ है जो ऐसे ही केस हुए हैं वहाँ पर, जहाँ पर लोग अब वायलेंट हो गए हैं, क्योंकि आम बंदा जो बात करना चाहता है ना वो उसको कर ही नहीं देते हैं। अच्छा, और ऊपर से जो फौज का दबाव है, अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ आर्मी वाले गलत है, ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऊपर से ऑर्डर्स है, ऊपर से जो ऑर्डर मिलेगा तो बंदा वही करेगा ना, बंदा खुद की मर्जी तो फौज में चलाएगा नहीं, जो ऊपर से मिलेगा। अभी मतलब ये भी कुछ लोगों की माइंडसेट है, मैं सिर्फ कुछ लोगों के बिहाव से आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं ट्विटर पर थोड़ा सा एक्टिव रहता हूँ और मैं दोनों तरफ के लोगों को चेक करता हूँ, लेफ्ट विंग भी राइट विंग भी, सारी चीज़ों को। कुछ लोग ये कहते हैं कि कुछ कश्मीरी चाहते हैं कि वो इंडिया में ना रह करके पाकिस्तान में चले जाएं। नहीं नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। एक्चुअल में क्या है, जो वहाँ पे पाकिस्तान पाकिस्तान करते हैं ना, है कुछ परसेंट, मैं ये नहीं बोलूँगा नहीं है, पाकिस्तान पाकिस्तान करते हैं, तो वो इसलिए नहीं करते कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते, वो इसलिए करते कि हम इंडिया के साथ नहीं रहना चाहते। क्यों, वजह क्या है, वजह ऐसी जो मैंने आपको बताई, आपको आज से लगभग 20 साल पहले की बात है, जब वो एक इसमें पता नहीं उस टाइम कौन सी आर्मी थी, मैं खुद नहीं पर मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ, तो वहाँ पे मेरे पास सारे वीडियोस अवेलेबल है, मेरे पास है सारे वीडियोस। तो उसमें क्या बोलते हैं कि एक गांव है वहाँ पे अभी भी लोग हैं जो जिनके साथ में वो मसला हुआ है उस टाइम में, तो वहाँ पर लगभग 37 गर्ल्स का रेप हुआ था उस टाइम, और सारा फौज के अंडर था उस टाइम में। तो वो गांव वो एरिया वायलेंट नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, इस सिंपल सी बात में। उन्होंने चाहे किस बेस पे किया क्या नहीं किया, मैं वो छोड़ दीजिए आप, अब मैं बता रहा हूँ कि कॉज क्या रहता है बंदे को जो वायलेंट हो जाता है, जो पत्थर उठाने पर मजबूर होता है, जो खुद के लिए ज़िंदा नहीं है दूसरों के लिए ज़िंदा है। अब बंदा पहले खुद के लिए ज़िंदा रहेगा ना, जब खुद के लिए मुझे मेरी ओपिनियन है कि मैं आपके साथ जाऊँ घूमने के लिए, तो डिसीजन है खुद का, तो ऐसा नहीं है ये तीसरा बंदा मुझे आए क्यों जाओगे, क्यों कैसे, आप कार्ड दिखाओ, आईडी दिखाओ, वो दिखाओ, ये दिखाओ, इस चीज़ पे हमें फोर्सफुली दबाया जा रहा है। लेकिन सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि अभी वहाँ पे एक ये माइंडसेट भी है कि कश्मीर में जो है कुछ लोग टेररिज्म एक्टिविटी करते हैं, इसलिए आईडी कार्ड के, अगर मैं इस पर्सपेक्टिव से देखूँ तो बात है, कितनी आर्मी है वहाँ पे, 10 लाख मान के चलो अभी आर्मी है, बॉर्डर किसके हाथ में है, हमारे हाथ में है ना, इंडिया के हाथ में है ना, फौज कितनी है, 10 लाख है, तो 1 करोड़ कुछ हमारी आबादी है वहाँ पे, हाँ आप चलो आप अब छोड़ लीजिए ये बात, अब आप मुझे आप ही से मैं सवाल करता हूँ, ये सारा एरिया मैंने आपके अंडर में कर दिया, फौज आपकी यहाँ पे आपके साथ में, मैंने छोटा सा है यहाँ पे 30 बंदे भी काम करते, मैं आपको 150 बंदे दे रहा हूँ, 150 बंदे आपको ये सिक्योर रखना है, अंदर किसी को नहीं आने देना। तो उसके बाद में पुलवामा अटैक कैसे कर रहे हो आप लोग, आरडीए किस कहाँ से आ रहा है, तो लूप होल है फिर वो बता दीजिए ना आप, अब ये कॉमन सेंस की बात है। अब बंदा बोल रहा है सारा मैंने सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह 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 वगैरह। अच्छा, ये हुई थी सर्जिकल स्ट्राइक, हुई थी सर्जिकल स्ट्राइक, कहाँ होते ये बोलने की बात है, कहाँ सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हो आप, अब मैं आपको ये मुद्दे की बात बता रहा हूँ, अब आप नॉर्मली इस पे सोच के आप मुझे बता दीजिए, आप बताइए आपके हाथ में मैंने बॉर्डर दे दिया, नहीं मैं समझ गया लूप होल है सारा, मैं आपके पास, उसके बाद में टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है वहाँ से, पाकिस्तान से बंदा आ रहा है, उसका इनकाउंटर आप कश्मीर में कर रहे हो, ये आप बोल रहे हो मैंने कश्मीर में पाकिस्तानी को इनकाउंटर कर दिया, पाकिस्तानी आतंकवादी आया उसको इनकाउंटर कर दिया, अब ये बता दीजिए ना जनाब कि कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, कौन ला रहा है बॉर्डर, एक तो बुरहान वानी के ऊपर बड़ा वो होता है, क्या उनका उनके ऊपर क्या, बुरहान वानी का क्या है, बुरहान वानी एक्चुअल में एक स्टूडेंट था, वो ऐसे नहीं था मतलब उन्होंने लगभग आप देख लीजिए जो उसकी लाइफ है वो सारा स्पोर्ट्स वगैरह में बिजी होता था, तो उसके बाद में ऐसे ही जैसे मैं आपको बता रहा था कि आम बंदा यहाँ से आया तो पकड़ लिया, धर लिया, कहाँ क्या है, कहाँ से हो वो ये, तो इन्वेस्टिगेशन में उसको मार दिया। लेकिन उसकी कुछ वीडियोस और फोटोज़ सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी कि वो किसी संगठन से जुड़ गया था इस टाइप से, संगठन से नहीं, उनने अपनी संगठन बनाई थी उधर, तो
वो संगठन क्या थी जो उसने अपनी बनाई थी? वो तो कंफर्म नहीं है, उसका जैश मोहम्मद के साथ के वो कश्मीर की थी, अब उसके बाद में उसको जैश के साथ कनेक्ट किया उन लोगों ने, वो मैं ज़्यादा उसकी मतलब ज़्यादा मैंने इन्फॉर्मेशन उसकी पता नहीं है, इसलिए वो मैं ये नहीं मैं छुपा रहा हूँ, मुझे छुपाने की ज़रूरत नहीं है, वो गया है तो उसको मार दिया तो उसको पता नहीं है, बट एक्चुअल में जो उसका फंड है जिससे वो बना है वो ये है कि उसके भाई के साथ गलत हुआ, उसकी फैमिली के साथ रात में उठा के बाहर मारते थे वो, तो ये आम बंदा, ये आम वहाँ पे होता है, कोई आर्मी आपके घर में कभी भी घुस सकती है। अच्छा, रात में चाहे आप सो रहे हो चाहे किसी भी टाइम, कोई ऑब्जेक्शन करने का हक नहीं है आपको। ये मसला है कश्मीर में, इससे आपको पता चलेगा बंदा क्यों गन उठाने के लिए मजबूर हो रहा है, क्यों आर्मी के अगेंस्ट, क्यों अपने मुल्क के अगेंस्ट हो रहा है। समझ रहा हूँ, मसला ये चीज़ें हैं, इस वजह से उसके बाद में उसका एनकाउंटर कर दिया, तो मसला यही था कि उसके पीछे भी कॉज था कि क्यों उसने गन उठाई, और वहाँ पे ये आप बोल दीजिए कि आम पीएचडी बंदे आ रहे हैं कि वो गन उठा रहे हैं, क्यों उठा रहे हैं, वो सैलरी ले रहे हैं सारा कुछ, 80-80 हज़ार, 1-1 लाख उनके पास सैलरी आ रही है, उसके बाद में क्या चाहिए उनको, क्यों वो गन उठा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं जो मतलब गवर्नमेंट देख नहीं रही है, उन चीज़ों पे नज़र नहीं दे रही है। थैंक यू सो मच सर।